तो भाई क्यूड़ा मार स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो इसको पहले थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और हल्का समय से जूम इन करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो सीन है सर, आज तुम्हें बताना क्या है, तुम्हें दो तीन चीज़ें ही बता देते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आज का हमारा एम्प्टी स्टमक वेट थोड़ा सा कम से ज़्यादा कहेंगे, मतलब जो हमारा लीस्ट गया है वो 88.55 है, तो आज 88 थोड़ा सा ज़्यादा था, 89 के अंदर ही था, बट चलेगा, इतना हमें उम्मीद नहीं थी। हालांकि हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 88.55 से नीचे होगा, बट नहीं था, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज़ और थी कि हमारी जो मील्स थी भाई, पिछले कुछ दिनों से हो क्या रहा है कि हमारी मील्स इतनी शिटी हैं कि हमारी ऑलमोस्ट 50% कह सकते हैं 80%, सिर्फ दो मील हटा दो तो उसके अलावा हमारी जितनी भी मील हैं इतनी टेस्टलेस मील हैं। तो एकदम कहते हैं ना कि हमें सादा खाना पड़ रहा था, कोई स्वाद नहीं है उन मील्स में, मतलब स्वाद में भी कहने को तो सिर्फ क्या है उसमें, सिर्फ नमक, और सिर्फ नमक का स्वाद लेके हम इतने मज़े से खा रहे हैं उसको और बता नहीं सकते हैं। लेकिन अब क्या सीन हुआ है कि हमने कहा कि नहीं यार ये होगा नहीं, यानी हम अभी कर लेंगे, कुछ दिन और कर लेंगे, लेकिन 3 महीने नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा कि पिछले प्रेप में क्या किया था, पिछले प्रेप में हम एक वो लेकर आए थे, कीटो केचप लेकर आए थे, तुम जाके देखोगे पिछली प्रेप हमारी, तो उसमें तुम्हें कीटो केचप भी दिखेगी। तो वो आखिरी के दिनों में हम ले रहे थे, उसमें क्या होता है कि तुम्हारी कैलोरीज बहुत कम होती हैं, तो हमने कहा कि चलो ठीक है ऐसा कुछ अभी देखते हैं, लेकिन चिली में, मतलब कि एकदम तीखे वाले में। तो हमने उसके लिए सॉसेज मंगाई हैं अभी जो हम तुम्हें दिखाएंगे, लेकिन फिर भी तुम बता देते हैं कि जो हमारी मील थी भाई, और हाँ जो अभी हम उन मील को खाने के लिए क्या करते थे कि हम लैपटॉप सामने रख लेते हैं और हम सामने देख के खाते हैं, मतलब कि अगर हमने नीचे मील को देख लिया तो समझ लो हम हार गए। तो ये करना पड़ रहा था कि हमें जो खानी पड़ रही थी मील, तो हमें सामने देख के खानी पड़ रही थी, ऐसे चम्मच लेते हैं और खा लेते हैं, नीचे नहीं देखना पड़ता, तो ये चीज़ भी हो रही थी। बट उसके लिए हमने कहा कि चलो मंगा लेते हैं। तो अभी हमने ये दो सॉसेज मंगाई हैं, एक तो है सिराचा, हमने क्रिस बम्स्टेड की वीडियो में देखा था, तो हमने कहा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, और दोनों के कैलोरीज वगैरह भी बताएंगे। और ये है तुम्हारी केया की ग्रीन चिली सॉस। तो होता क्या है कि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और ऑल नेचुरल होता है। तो इसका सीन है तुम्हारा, इसमें तुम्हारे 100 ग्राम में 67 कैलोरीज हैं, और जैसे मैं एक सर्विंग लेनी होगी 15 ग्राम की, तो उसमें 3 कैलोरी हैं, तो 3 कैलोरी सोच रहे हो ना कितनी कम है। तो लेकिन वो टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ऐड कर देती हैं, और ये सॉसेज का फ़ायदा ये रहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं, मतलब कि अगर तुम उंगली डाल के इसे चाट लोगे तो उसका इफ़ेक्ट तुम काफ़ी समय तक फील कर पाओगे, तो तीखी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सेम है ये सिराचा के साथ, इसमें क्या है इसमें कैलोरीज थोड़ी सी ज़्यादा हैं क्योंकि ये टोमेटो वाली है मेरे ख्याल से, हाँ ये टोमेटो वाली है, इसमें जो इंग्रेडिएंट है उसमें टोमेटो भी यूज़ किया जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा। इसमें मेरे ख्याल से सिर्फ चिली और वो रहता है लहसुन, तो इसलिए इसमें कैलोरीज थोड़ी कम है। इसमें कितनी है, इसमें मान के चलो अगर 20 ग्राम की सर्विंग है तो इसमें 31 कैलोरीज हैं, तो देखा जाए तो काफ़ी डिसेंट कैलोरीज हैं, तो चलेगा, लेकिन 31 कैलोरीज तो हम बर्न कर सकते हैं एक्स्ट्रा ज़्यादा चल के तो चलेगा, लेकिन एक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसमें शुगर है, एडिड शुगर है इसमें 2.5, इसमें एडिड शुगर है 1.33, तो मतलब कि देखा जाए तो बहुत कम शुगर इसमें एडिड है, मतलब ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि बिल्कुल ही नहीं है। और तुम्हारी एक सर्विंग में इसमें तुम्हारी शुगर रहती है 0.40, तो आई थिंक हम इसको फ्यूचर में ऐड करेंगे, ये हमने मंगा ली है बट इसको अगली बार नहीं मंगाएंगे क्योंकि इतनी हम वो नहीं कर सकते फ्रीडम। इसकी एक सर्विंग में तुम्हारी 2.5 ग्राम शुगर है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा है देख ही रहे तो इसलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, हो सकता है इसको रिटर्न भी कर दें, बट चलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा सही है। चिली है दोनों को, हमने एक उंगली डाई से डुबो के चाट के देखा था तो मज़ा आ गया था, हालांकि इसकी असली टेस्टिंग कल ही करनी होगी, तो तुम्हें कल अपडेट देंगे इसको लेके। बाकी अभी क्या, अभी का सीन ये है कि अभी हम 17,000 स्टेप्स चल चुके हैं, तो 1,000 स्टेप्स इसमें से निकाल दो ट्रैवलिंग वाले, तो 16,000 स्टेप्स हम चल चुके हैं, और अभी कितना टाइम हो रहा है 10:30, और 10:30 होने का मतलब ये है कि अभी सोने का टाइम है। अब हम सोने को लेके हम वो नहीं करते, अब हम कोई कॉम्प्रोमाइज़, 8 घंटे की नींद हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम हर हाल में पूरा करते हैं,
तो ये पंचायत थी। बाकी अभी हमें थोड़ी 15-20 मिनट थोड़ा पोजिंग करेंगे, कुछ पोज होल्ड करने की कोशिश करेंगे ताकि यूज्ड टू हों, फिर स्किनी फील करेंगे और सो जाएंगे। यही हमारा रूटीन है, सुबह उठो, खाओ पियो, गंदी मील खाओ, वर्कआउट करने जाओ, लो एनर्जी फील करो, स्किनी फील करो और कभी कभी मोटा फील करो, मोटा एज इन तुम्हारे फैट को लेके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई, और आके खुद को शीशे में देखो, फिर स्किनी फील करो और सो जाओ। यही रूटीन बना हुआ है हमारा, इतना बोरिंग रूटीन है इस टाइम पे भाई, हम बता नहीं सकते हैं। और होना भी यही है, अब क्या कर सकते हैं भाई, हर किसी का प्रेप में यही सीन होता है, हमारा ही नहीं है, बस हम तुम्हें कन्वे कर ले रहे हैं अच्छे से, बस ये चीज़ हो जाती है। कहानी हर किसी की यही है भाई, ठीक है, किसी की कोई अलग कहानी नहीं है, बस कोई ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, कोई लीनियंटली कर रहा है, ये डिफरेंस हो जाता है। बाकी वर्कआउट हमारे अच्छे हो रहे हैं आजकल, लेकिन आज हम थोड़ा सा वो फील करने लगे, आज हम फ्लैट फील कर रहे थे, फ्लैट एज इन कि जो मसल, जब तुम ज़्यादा श्रेडेड होने लगते हो तो तुम पम्प फील नहीं करते हो, पम्प एज इन कि तुम ह्यूज फील नहीं करोगे, तो वो चीज़ होने लगी है। अब हम उस फेज से तो बाहर आ चुके हैं, अब हम फ्लैट फील करने लगे हैं। वर्कआउट अच्छा होता है, पुश भी अच्छे से कर लेते हैं एंड, और वर्कआउट के एंड तक हमारी वो हो जाता है कि नहीं भाई हो गया, वैसा वाला सीन रहता है, बट चलेगा, दिस इज़ हाउ इट गोज एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो यही सीन है भाई, बाकी तुम आज वर्कआउट देखने वाले हो। वर्कआउट अच्छा हुआ था, जैसे हम बता रहे थे चेस्ट ट्रेन किया था, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, वो मज़ेदार था। तो तुम इम्प्रूवमेंट देख ही रहोगे हमारी बॉडी में भी, अभी तो इसकी नहीं लग रहा है लेकिन तुम देख ही रहोगे वर्कआउट के टाइम, तो वो देख के, वो देखोगे तुम, पहले देखोगे सुबह की क्लिप, उसके बाद देखोगे वर्कआउट, तो वो देख के बताना कैसा लगा। अभी तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा, ऑलमोस्ट हम भूल ही गए थे कि सुबह की चर्चा भी करनी होती क्योंकि कल नहीं की थी, उसी ने ऐसा कार्डियो करने जा रहे हैं। बाकी अभी का हमारा एम्प्टी स्टमक वेट अभी का निकल के आया था 88.95, तो रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा पोस्ट कार्डियो है, मतलब कार्डियो के बाद ही हम उसको लॉक करते हैं, तो वो देखना होगा कि कितना है अभी तक का। हालांकि मिनिमम जो है वो कल ही था 88.55, तो ये चीज़ सही है। बाकी रूटीन पर भी हैं, नींद अच्छी आ रही है, अब तो 8 घंटे हम प्रॉपर सोने लगे हैं, फ़ोन की माँ की यहाँ फ़ोन रख देते हैं दूर और फिर सोते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी तुमसे मिलते हैं जल्दी। वाह भाई, आवाज़ आ रही है, आ रही है, किसी में सा है। आज हमें ट्रेन करना चेस्ट और ट्राइसेप, अगेन थोड़ा सा हाई वॉल्यूम है तो 8 मूवमेंट ही हैं, जिसमें 5 हमारे चेस्ट के और 3 ट्राइसेप के, मशीन पे और फ्री मूवमेंट दोनों ही रहने हैं, जैसे इसमें 2 रहेंगे तुम्हारे थोड़े से फ्री मूवमेंट और 3 मशीन फोकस, 2 क्या देखा जाए तो 3 ही रहेंगे। जैसे कि तुम्हें बता देते हैं, सबसे पहले इंक्लाइन बेंच प्रेस, इसके बाद है लोअर केबल फ्लाइज, फिर उसके बाद है डिक्लाइन डंबल प्रेसेस। वो मशीन पे पहले हम सोच रहे थे लेकिन अगला चेस्ट जेपे हमें मशीन पे करना है, तो इसलिए वो डंबल पे प्रेफर करेंगे। फिर तुम्हारा अगेन फ्लैट फ्लाइज, वो मशीन पे करना है, और आखिरी अगेन मोमेंट है तुम्हारा फ्लैट प्रेसेस। फ्लैट पे हम सोच रहे हैं कि मशीन पे करें, ऐसी जो मशीन है वो। बाकी फिर 3 ट्राइसेप्स के हैं, एक क्लोज ग्रिप और एक ओवरहेड और एक डिप्स, डिप्स की मशीन, तो मशीन पे करना है। Huh.
तो सीन ऐसा है, चेस्ट का आखिरी मूवमेंट जो कर रहा है और देखा जाए पाँचवा मूवमेंट है ये, जो कि है फ्लैट बेंच प्रेसेस। हालांकि हमें उस पर करना था ये बारबेल पे, बट हमसे नहीं, हमें नहीं लगता बारबेल पे हम इतना पुश कर पाएंगे, क्योंकि तो इस पर थोड़ा सा स्टेबल रहता है और थोड़ा सा हैवी जा सकते हैं और डेप्थ में भी काफ़ी सही है ये, इसलिए ये प्रेफर कर रहे हैं। तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं लगता, और अभी जैसे हम देख रहे थे पोजिंग के बाद तो काफ़ी फ्लैट फील कर रहा है, फ्लैट एजन की लोअर कार वाला सीन। तो उसमें अभी लेकिन एक अच्छी चीज़ यह है कि एनर्जी भी कम नहीं हो रही है, जो स्टार्विंग वाली फीलिंग होती है जब तुम बहुत ही ज़्यादा कम कैलोरीज होते हो। तो अभी देखा है हमारी कैलोरी इनटेक करीब 2400 के आसपास है, तो उस हिसाब से वर्कआउट की वॉल्यूम भी सही है, अच्छे से कर भी पा रहे हैं, स्ट्रेंथ भी ठीक ही है, मतलब कि एकदम पीक पे तो नहीं है बट चल रही है। और वर्कआउट का पंप कह सकते हैं कि कुछ ही मिनट के लिए होता है, तो ये चीज़ सारी बड़ी गंदी होती है कि जब तुम्हें बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से वर्कआउट करना होता है और ख़त्म भी करना होता है, तो वो चीज़ भी है। बाकी यहीं तक रखते हैं वीडियो, और तुम्हें कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी अपना ख्याल रखना।